हेलो एवरीवन, नमस्कार। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि ऑनरेबल हाईकोर्ट ने असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड ड्राइंग के कैंडिडेट्स द्वारा फाइल की गई रिट पिटीशन को 31 मार्च 2022 को सुनकर रिजेक्ट कर दिया था, जिसका जजमेंट आज ऑनरेबल हाईकोर्ट की साइट में अपलोड हो चुका है और जजमेंट की कोर्ट कॉपी भी पार्टीज को मिल चुकी है। दोस्तों, इस पर मैं अपने चैनल पर डिटेल वीडियो पहले ही बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऑनरेबल हाईकोर्ट के जजमेंट की पीडीएफ कॉपी का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से पूरा जजमेंट डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहां पर मैं आपके सामने उन ग्राउंड्स को रखूंगा जिस पर रिलाई करते हुए ऑनरेबल हाईकोर्ट ने पिटिशनर्स की रिट पिटिशंस को डिसमिस कर दिया था। दोस्तों, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में हेल्ड किया कि पिटिशनर्स बिना प्रेस रिलीज डेटेड 12 मार्च 2021 को चैलेंज किए 8 अगस्त 2021 को हुए रिटर्न एग्जामिनेशन में अपीयर किए, जबकि उन्हें पता था कि अमेंडेड रूल्स गलत तरीके से इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अप्लाई किए गए हैं। एक बार चांस लेकर रिटर्न एग्जामिनेशन में बैठकर पिटिशनर्स प्रेस रिलीज डेटेड 12 मार्च 2021 को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए पिटिशनर्स को प्रेस रिलीज डेटेड 12 मार्च 2021 को चैलेंज करने से रोका जाता है। इसके लिए ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सौरभ यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2020 में दिए गए जजमेंट पर भरोसा जताया और पिटिशनर्स की रिट पिटिशंस को रिजेक्ट कर दिया। दोस्तों, आज ऑनरेबल हाईकोर्ट के जजमेंट की कॉपी मिल चुकी है। अब यह देखना होगा कि कमीशन कब तक एलटी टीचर ड्राइंग रिक्रूटमेंट का रिजल्ट निकालता है या फिर पिटिशनर्स ऑनरेबल सिंगल जज के जजमेंट को फिर से रिव्यू या फिर अपर बेंच में चैलेंज करते हैं। इस पर जो भी अगली अपडेट होगी आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंच जाएगी। ऑनरेबल हाईकोर्ट के जजमेंट पर डिटेल वीडियो आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। आप इंड स्क्रीन पर टच करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिससे आपको पूरा प्रकरण डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, आई होप कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ और सुरक्षित रहें। हैव अ ग्रेट डे।